बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना थी क्योंकि मुझे ग्रॉसरी मंगवाना थी, तो उससे पहले मैं अपने जो फ्रिज है ना उसको कुछ ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी और इसकी डीप क्लीनिंग भी मैंने की। तो कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने रेडी किए हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। तो उससे पहले का ये मैं आपको व्यू दिखाना चाह रही हूँ, आफ्टर बिफोर। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोगों ने कुछ जूसेस मंगवाए थे, उसके ना उसका एक बॉक्स था, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया और मैंने ये सोचा था कि इसको मैं ना कुछ ऑर्गेनाइज़र के लिए ही यूज़ कर लूँगी। तो ना ये बॉक्स को मैंने निकाला है, इसका जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ना आप, इसको मैंने ना टेप के साथ ना थोड़ा टेप लगा देनी थी ताकि थोड़ा सा ये मजबूत हो जाए और इसमें जो मुझे बॉटल्स वगैरह रखनी है वो चीज़ें ईजीली यहाँ पर रखी जा सकें और ये टूट ना जाए ना। तो बस यहाँ पर मैंने, मेरे पास ये टेप है चौड़ी टेप, उसको मैंने ना ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसमें अच्छे से अंदर ना वो लगा दिया, टेप लगा दी। उसके बाद फिर मेरे पास ये एक पेपर है और इस पेपर का की खासियत यह है कि पेपर नहीं स्टिकर है, स्टिकर के साथ का ना पेपर, इस तरह से आप समझ लें हैं कि वो मैं ना मुझे किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं थी और किसी भी टेप की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसको इसी तरह से ना कट करके इसके साइज़ का और आराम से ना इसको मैंने इसके साथ पेस्ट कर दिया क्योंकि ये स्टिकर था, ठीक है। और बस मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास जो चीज़ घर में मौजूद है ना मैं उसी के साथ ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लूँ, बाहर से कुछ और मुझे इस तरह से परचेज़ ना करना पड़े। तो इसीलिए पेन मैंने रखा हुआ था कि जब मैं अपने किचन सॉरी फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी तो तभी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने ना पूरा बॉक्स पर ना ये स्टिकर लगा दिया और साथ ही फिर मैंने ना इस तरह से जो बॉटल्स हैं जो मुझे इसमें रखनी थी, विनेगर की है और केचप की बॉटल्स जो फ्रिज में मतलब इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं और बार बार निकालने से गिर जाती हैं, तो वो मैंने इसमें कर लिया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। मैं आपको ये दोनों बॉक्स एक साथ रेडी करके ना फिर इसका व्यू दिखाऊंगी। अच्छा, एक मेरे पास ये है बच्चों का ना ब्लॉक्स आए थे तो उसका ये मतलब एक बॉक्सा था, तो इसको फिर मैंने ना मुझे जहाँ पर फ्रिज में रखना है ना उसके डोर में उसके हाइट के हिसाब से इसको सेट करना था, तो थोड़ा सा मैंने ना इसको अंदर से फोल्ड किया और जो टेप है ना वो मैंने टेप लगाया, टेप लगा के ना मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया ताकि इस साइज़ जो मुझे चाहिए उस साइज़ का ये बॉक्स बन जाए ना। और बाकी ऊपर जो इसकी बैक है वो थोड़ी मजबूत हो जाए इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, सिर्फ फोल्ड ही कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास ये दूसरा पेपर था और क्योंकि ये DIY होते हैं और इसके मतलब बॉक्सेस के बने हुए होते हैं ना तो इतने ज़्यादा नहीं होते ये मज़बूत, तो ये कि वक्तन फवक्तन थोड़ा टाइम बाद हमें चेंज करना होता है, तो इसलिए फिर मैंने ना इसके ऊपर मेरे पास जो पेपर्स रखे हैं ना वही मैंने इसके अंदर यूज़ किया, कुछ और परचेज़ वगैरह नहीं किया जैसे कि ना रैपिंग पेपर वगैरह, तो बस इसके साथ ही और थोड़े से ज़रा डेकोरेशन के साथ ना इसको मैंने डेकोरेट करके और फ्रिज में ऑर्गेनाइज करना था। तो बस ये पेपर है, पेपर को मैंने स्टिक ग्लू से अच्छे से सारा लगा करना और फिर इस बॉक्स के ऊपर लगा दिया और साइडों पर मेरे पास इस तरह से ये पेपर रखा हुआ था और ये भी मैंने इस तरह से लगा दिया, थोड़ा सा डेकोरेट हो गया, अच्छा सा लगने लगा, थोड़ा शाइन वाला था। और साथ ही मैंने ना यहाँ पर मतलब पेन से ना ग्रीन पेन से यहाँ पर स्टार्स वगैरह लगा दिए कि चलो थोड़ा सा ना ये अच्छा लगे। और उसके बाद फिर ग्रीन पेन से मैं लगा चुकी थी तो पर्पल से मैंने लगाना था, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के सामने करके दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरह से ना ये ग्रीन मार्कर से भी सारे स्टार्स बना लिए थे। तो बस ये एक अच्छा सा लगा था और वैसे भी ना मुझे उसको फ्रिज के अंदर रखना था और इसका ज़्यादा पार्ट जो है फ्रिज के अंदर डोर के अंदर ही चले जाना था, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर मैंने ये स्टार लगा लिए और ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है इसको। बस मैं यहाँ इसके अंदर भी मुझे ना बॉटल्स वगैरह रखनी है, जो केचप की बॉटल्स फ्रिज में हम लोग डोर में रखते हैं ये देखें, और कुछ ना मेयोनीज था और इस तरह से सारी मेरी बॉटल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं और इसकी अभी भी इतना स्पेस है कि इसमें और भी मैं बॉटल्स वगैरह रख सकती हूँ। अच्छा, जो नीचे है ना वो मतलब जो सबसे नीचे इसका पोर्शन देख रहे हैं वो बहुत छोटा है तो उसको मैंने नहीं किया, उसमें मैंने ऐसे बॉटल्स रख दी। अच्छा, यहाँ पर मैं फ्रिज में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने ना अपने ये ऑर्गेनाइज़र लिए दो फ्रिज में मैंने इस तरह से रखा है। मेरे से जो पहले व्लॉग इसके बाद जो व्लॉग आएगा ना उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें परचेज़ की हैं और मेरी क्या शॉपिंग है, तो वो शॉपिंग का व्लॉग उसमें आएगा, उसमें दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने इसको ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, फ्रूट्स रखे और उसके बाद फिर मैंने ना अपने जो रेगुलर रूटीन पर कैचअप वगैरह यूज़ होते हैं वो चीज़ें इस तरह से रख के ऑर्गेनाइज़ कर लिया।
अपना फ्रिज, और फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें इस तरह से मेरी आ गई हैं, तो देखें कितने अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना हरी मिर्चें मंगवा ली थी और वो एक दिन पहले ही आ गई थी, तो बस उसको अगर उसी वक्त बना कर ना रखें ना तो हरी मिर्चें सारी ख़राब हो जाती हैं। इससे पहले मेरे साथ इससे ऐसा हुआ, बस बच्चों के साथ कुछ टाइम नहीं मिल सका तो मैं उसको ना बना के नहीं रख सकी। बनाती इस तरह से उन्हें कि जो उसके सामने का पार्ट होता है ना वो कट करके, और पहले जो ये हरी मिर्चें ना सारी वॉश करके इसको जो स्टेनर में स्टेन करके रख देती हूँ, ड्राई हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर इसको जो इसका जो सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट होता है ना उसको कट करके ना फिर मैं इस तरह से कंटेनर में रख लेती हूँ। तो जो पूरा हफ्ता है ना वो मेरी जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाती हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं यही कुछ कर रही थी, तो सोचा कि चलें फिर मैं आपके साथ ये भी क्लिप शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी अपने इस तरह से ना क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि मैं अपनी सब्जियों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो बस आज मैंने ना अपने फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ली, क्योंकि वीकेंड होता है ना तो उस पर फिर ग्रॉसरी की चीज़ें और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं हमारी तभी आती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपने फ्रिज को है ना ग्रॉसरी के और इन चीज़ों के आने से पहले पहले रेडी कर लूँ, कि फिर बस मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाए कि जिस तरह से मेरी चीज़ें आई हैं ना जो भी ग्रॉसरी आई है उस तो ना मैं साथ ही फिर अपनी जो भी सारी है ना चीज़ें उसको फ्रिज में रख लूँ, और जो मुझे ग्रॉसरी की किचन में रखनी होती हैं चीज़ें वो भी मैं साथ साथ रखती हूँ, तो मेरे साथ काम ज़रा इजी हो जाता है। हाँ, अगर कभी इस तरह से होता है कि अगर स्किप हो जाए ना तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और टाइम मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जब आने से पहले पहले मैं अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लूँ। और इस तरह के जो काम है वो हम वीक डेज़ में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वीक डेज़ इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि मेरी फिर कोशिश होती है मैं इस किस्म के जो डिटेल वाले काम है ना वो वीकेंड पर ही कर लूँ, ताकि मेरा जो वीक डेज़ है वो बहुत ज़्यादा ईजी गुजरे। क्योंकि बच्चे हमसे स्कूल भी जाता है, फिर ये कि रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, तो इन चीज़ों को टाइम नहीं दिया जा सकता। मैं अपनी इस तरह की कोई भी जो वेजिटेबल बनाने का होता है, कटिंग का काम ना, वो पहले वीकेंड पर कर लेती हूँ, तो फिर वीक डेज़ है मेरे वो बहुत अच्छे। अच्छा, और उसके बाद जो इसके बाद मेरा व्लॉग आएगा ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने ना अपनी जो रूम है ना उसको उसकी सेटिंग थोड़ी चेंज की है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ना तकरीबन ऑलमोस्ट साल होने वाला है, तो उसमें फिर ना अगर हम अपने जो घर की डेकोरेशन में और सेटिंग में चेंज करें ना तो एक बहुत अच्छे से ना वाइब्स आती हैं, और हमें करते रहना चाहिए, और एक अच्छे से लुक के साथ ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस मैं ना रात को कुछ शॉपिंग करके आए थे, तो उसके अभी व्लॉग इंशाल्लाह ताला इसके बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर रात को मैं काफ़ी टाइम तक ना वो सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज करती रही। अभी भी इस टाइम भी घर की ऐसी हालत है कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं उस क्लिप तो आप लोग को देखिएगा कि ना इस तरह से जैसे कि ना पाउंड रखने की भी जगह नहीं। अगर हमें कुछ मेकओवर करना होता है, कुछ सेटिंग चेंज करनी है, शिफ्टिंग करनी है, तो आप इससे आइडिया लगा लें कि फिर घर की क्या कंडीशन हो सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो काम करने वाला है वो तो है ना, तो इसलिए ना फिर मैंने ना साथ साथ अपना ये वाला जो फ्रिज का है काम वो भी कंप्लीट किया, और ऑर्गेनाइज़र भी साथ साथ रेडी किया, और अपनी फ्रिज का मिर्चा जो थी इसको भी मैंने सोचा कि चलो साथ कर लेती हूँ। क्योंकि और अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक मेरा व्लॉग वॉच कर लिया है तो फिर आप ना मेरे वीडियो को लाइक करें, और न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से आपको और न्यू वीडियोस मिलती रहें, और ना आप लोग मेरे जो व्लॉग्स हैं उसको फुल वॉच किया करें, और मुझे कमेंट के भी करके बताया करें कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और मुझे नेक्स्ट किस तरह से जो है वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट आइडियाज़ मिलते रहते हैं, तो इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पर ना यूट्यूब पर किस तरह से आई ना। पहले मैं भी इसी तरह से सिर्फ व्लॉग्स वगैरह देखती थी, और ना मतलब रेंडमली वीडियोस वगैरह इस तरह से देख लेना, तो फिर बस एक्चुअली मेरा भाई जो है वो भी इसी व्लॉगर है, वो भी इसी तरह से व्लॉगिंग भी करता है और शॉर्ट्स वगैरह भी बनाता है। उसने फिर मुझे बताया ना कि तुम आ जाओ। अच्छा, मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से एडिट करते हैं, क्या करते हैं, और इसके लिए ना फिर बस भाई की थोड़ी सी हेल्प और बाकी सब कुछ मैंने यूट्यूब से खुद ही मतलब सीखा।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में जो है वो मैं सब चीज़ें सीख गई हूँ। और मतलब सीखने का सिलसिला तो यहाँ पर चलता ही रहता है। तो बस ये है कि आप लोग ना जो न्यू व्यूअर सॉरी व्लॉगर होते हैं उनको सपोर्ट किया करें, वीडियोज़ को फुल वॉच कर लिया करें और कमेंट्स कर दिया करें कि कैसी वीडियो है। तो इस तरह से ना एक मोटिवेशन मिलती है और फिर काम करने का भी दिल करता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं मेरे सब्सक्राइबर उसमें जो मुझे कमेंट्स वगैरह करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और इस तरह से ना और एक पावर एनर्जी आ जाती है कि हम अपनी और वीडियो अच्छी से बना सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना फर्स्ट डे बहुत मुश्किल लग रहा था, स्टार्ट में एडिटिंग बहुत मुश्किल लग रही थी, फुल डे लग जाता था सिर्फ एक वीडियो को ही शूट करने में और एडिट करने में, और सम टाइम तो मुझे 2 डेज़ लगते थे क्योंकि शुरू में हर काम मुश्किल होता है लेकिन जब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं ना तो और मेहनत होती है तो फिर सारी जो काम है ना हमारे लिए ना आसान होते चले जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वीडियोज़ अपलोड करती रही और आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रही कि किस तरह से एडिट करना है और किस तरह से वीडियो शूट करना है और क्या करना है। तो बस अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं और अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी जो मिर्चें हैं ना वो सारी मैंने कट कर ली हैं, वॉश पहली हो गई थी, स्टेन कर ली थी और इसके अंदर मैं कंटेनर में फ्रिज में रख दूँगी और मेरा ये भी काम कम्प्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे वीडियोस को जो हैं वो काइंडली फुल वॉच कर लिया करें और कमेंट भी कर दिया करें कि कैसा लगा है कैसा नहीं लगा। तो उसके बाद फिर अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पर ये देखिए जो मेरा बाउल है ना एयर टाइट है तो इसको इस तरह से मैं बंद कर दूँगी, इसका होल है ना होल पर इसको जब मैं बॉक्स को करूँगी ना तो फिर मतलब थोड़ी सी भी यहाँ पर एयर है वो पास नहीं होगी और मैं अपने जो मिर्चें हैं ना उसको एक हफ़्ते के लिए बहुत अच्छे से फ्रिज में रख सकती हूँ, कोई ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बस सही है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।